पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आखिरकार अभिषेक सिंह को पार्टी ने एक बार फिर जिम्मेदारी देकर सभी को चौंका दिया है। अभिषेक सिंह उर्फ नीशू को रेलवे मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा DRUCC का सदस्य मनोनीत किया गया है। उनके नाम की घोषणा होते ही भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बधाई देने का सिलसिला भी जारी कर दिया है। भले ही अभिषेक सिंह को परेशानियों का सामना करना पड़ा हो या फिर विपक्षियों की साजिश का शिकार होना पड़ा हो, लेकिन उसके बाद भी एक नए आयाम को छूकर ये साफ कर दिया है कि भाजपा में कार्यकर्ता की मेहनत रंग जरूर लाती है, साथ ही किसी भी परेशानी का सामना जरूर करना चाहिए। अभिषेक सिंह ने भी विपक्षियों को जवाब देते हुए भारत सरकार से DRUCC नियुक्त होकर अपनी सफलता की कहानी बयां कर दी है। अभिषेक सिंह को मिली जिम्मेदारी के बाद अंकित चौहान से खास बातचीत में उन्होंने पार्टी तथा जिले से लेकर प्रदेश तक के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया है। साथ ही सांसद राज्यसभा जफर इस्लाम का भी आभार उन्होंने जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसका पूर्ण रूप से फोन आया तो उठा लो। सबसे पहले मैं DRUCC मेंबर बनाने के संदर्भ में भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और भारत सरकार के साथ साथ मैं अपने संगठन मूल संगठन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया कि मुरादाबाद मंडल जो कि सबसे बड़ा मंडल है उसका DRUCC मेंबर के रूप में आज मुझे उन्होंने नियुक्त किया है, मनोनीत किया है। और उन्होंने मुझसे अपेक्षा भी जताई है कि जो रेलवे के कंज्यूमर्स हैं, जो उनके उपभोक्ता हैं, उनके जो हित हैं, उनके जो लाभ हैं, उसके निमित्त मैं लगातार प्रयासरत रहूँगा और बेहतर से बेहतर सेवा देने में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकूँगा। अच्छा, जो जिन लोगों का सहयोग रहा है उनके लिए क्या मैसेज? देखिए सर, प्रथम सबसे पहले मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय सांसद राज्यसभा श्री जफर इस्लाम जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री राजपाल सिंह चौहान जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, क्षेत्र अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के रहे, जिनका हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहा, इस परस्पर स्नेह मिलता रहा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, उन सब की वजह से आज जो है ये मनोनयन हुआ है और आज मुझे DRUCC का सदस्य बनाया गया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।